कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर है एक भाभी, ये हमारी एक भाभी, ये नहीं ना बैठा भाई ना, क्यों दीदी तो तुम ऐसे दीदी देखो हाय कर रही है, हाय करो फिर से चाय। अरे नहा लो भाई, नहा लो, ले चाय ना, नहा घूम रहे हो, बोलो बताओ यार। रतलाम में कितनी बार, दो बार पहले थी मैं, और कह रहे साड़ी कहाँ से ली? घर कैसा लगा? मस्त, तो पन्नी कैसा लगाई ऊपर? मेहंदी लगा दीदी, मेहंदी लगा रखी तुम, खुशी बढ़िया। तो मंदिर, मंदिर तो इतना सुंदर लगा। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया, मंदिर दिखाया, सुबह मेरी मॉर्निंग यहाँ पर हो चुकी है, जो कि कार्तिक स्नान वाला जो टाइमिंग होता है ना, उससे थोड़ा लेट ही स्नान हुआ, दो दिन मेरे छूट गए हैं। चलो कोई बात नहीं, आने जाने में हो जाता है, और जाना भी मेरा, यहाँ आना भी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दीदी, दीदी की ननद, सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हो रहे थे, रानी दी अगर नहीं आए इस बार तो देख लेना, क्योंकि दीदी के यहाँ जब भागवत कथा हुई थी ना, तो उस टाइम भी हम लोग नहीं पहुँच पाए थे। फिर इसके बाद में मैं अपने कपड़े हैं वो निकाल रही हूँ हस्बैंड के, कि वो क्या पहनेंगे, नाइशा को भी नहला दूँ। तो अभी बैठ कर हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी गॉसिप करी, और सब लोग अपने अपने कामों में बस लगे हुए हैं। घर भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो कि बहुत सुंदर घर बना हुआ है। दीदी के यहाँ आकर सबसे अच्छी बात यही लगी, सब में आपस में इतना ज़्यादा प्रेम है। वॉइस रिकॉर्डिंग तो मैं अपनी बाद में कर रही हूँ, मतलब दो तीन दिन मैं वहाँ रही, दो दिन सब देवरानी जेठानी में इतना प्यार, भाइयों में इतना प्यार, जो कि मतलब सही में आज के टाइम में ये चीज़ देखने को ना बड़ी मुश्किल से मिलती है। फिर यहाँ पर लाइट उस टाइम चली गई थी, अभी आ गई, और यहाँ पर दीदी अपने नहाकर आ चुकी रेडी। और यहाँ पर ये गांव से, दीदी के गांव से मतलब अम्मा लोग आए हुए थे, तो ये तीन बड़े बूढ़े थे, तो इनसे थोड़ा सा, आज क्या पहला दिन होता है ना कथा का, या पहले दिन कुछ भी घर में बोलो तो चीज़ें थोड़ी सी लेट हो जाती है। तो मैं इन अम्मा को ना, अब जो नाश्ता हम लोग ट्रेन में सफ़र के लिए लेकर आए थे, वो अम्मा को निकाल के मैं दे रही थी, और चाय वगैरह इनको ला कर दी। बड़ा अच्छा लगता है, बड़े बूढ़े हैं, जल्दी भूख लग जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर हो रही हूँ रेडी, और देख सकते हैं आप लोगों ने हमेशा पूछा ये क्रीम के बारे में, तो अभी मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ कौन सी क्रीम है, आप लोग पूछते हैं। तो इसी का बेस अभी मैंने लगाया है, तैयार हो रही है, जो कि सबके नंबर बुक हो चुके हैं। दीदी इधर से उधर घूम रही है तो ये है वो क्रीम। ये है वो क्रीम, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दीदी ये वाली क्रीम लगाया करो, ये वाली, ये बहुत अच्छी क्रीम है, फाउंडेशन नहीं है, ये क्रीम टाइप है, मम्मी हाँ। बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, हाँ बाल नहीं धुलोगे, ये ओरिफ्लेम की है शायद, ये पार्लर से ही लेकर आई थी मैं, चलती है दो तीन साल, बढ़िया, बहुत कम लगाई जाती, क्रीम में मिला के लगा लो कोई भी। हाँ देखो इनके, इनके जोर देखो, कैसे मम्मी के महंगे महंगे प्रोडक्ट खराब कर रहा है, देख हाँ चेहरा मत खराब करवा लियो, मत कर अक्की, चेहरा खराब हो रहा है तेरा। ये सब सोनू बुआ का सामान पा गई है, तो आप देखो मत लगाओ नाइशा इतना। सायंकाल के सत्र में श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस प्रारंभ होने जा रहा है, अतः आप सभी धर्म प्रेमी भाई बंधु माताएं बहनें,
कलश यात्रा एवं कथा समय उनका ध्यान रखते हुए श्रीमद् भागवत कथा स्मरण हेतु। तो यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ मैं, दीदी उधर हो रही हैं। ज़्यादा कुछ मैं अपना लेकर नहीं आई थी क्योंकि दूर का सफ़र था, तो इसलिए बहुत कम अपना जो गोल्ड है वो लेकर आई थी यहाँ पर, और मतलब पहन के ही आई थी, और इयर रिंग्स वगैरह तो लेकर आ गई थी। तो बस यहाँ पर सब लोग लगा रही हैं महावर, दीदी ने बड़ी वाली दीदी ने दे दी थी महावर की, लगा लूँ। तो यहाँ पर जो डेली पूजा होगी 7 दिन की, वो यहाँ पर पहला दिन की जो पूजा होती है वो हो चुकी है। फिर इसके बाद में नाश्ता आ गया था, तो सब लोग कर रहे हैं नाश्ता क्योंकि फिर कलश यात्रा शुरू होगी, तो वो बाद में, पहले पेट पूजा हो जाए यहाँ पर, क्योंकि चलना बहुत पड़ता है उसमें। तो दीदी बोली सब फलाहार जैसा बना है तो आप सब लोग कर लो। और भौजाई हैं, अकेले खाने में लगे। ये है मतलब जस्ट किचन है, स्टोर रूम, मतलब अभी पूरा सेट नहीं हुआ है कुछ भी सामान, धीरे धीरे भाभी सब लोग करेंगी। सही में दीदी की फैमिली बहुत अच्छी लगी, मैं तो फर्स्ट टाइम, ऐसा नहीं है सबसे मिली नहीं, भाभी से अभी दीदी का जब गृह प्रवेश हुआ था वहाँ रतलाम में घर का, तो मिल ली थी पर इतना रही नहीं, और अभी और लोगों से मिली, सब लोगों का नेचर बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत बढ़िया है। खा लो, अब बहुत अच्छे बने बिना प्याज लहसुन के, सिंपल तरीके से बने आलू बड़े। और ये क्या है, ये हमारे यहाँ बोंडा बोलते हैं, हाँ अपने आलू बड़ा हमारे यहाँ बोंडा बोलते हैं। चलो बहुत खा लिया। क्या हो रहा भैया यहाँ पे, क्या अभी नहीं गिरी ना? आय हाय देखो तो सही, इधर कितना बढ़िया हवा आ रही। क्यों क्यों धान है, ये है ना धान, झारे जा रहे हैं लग रही, क्या गेहूं है, नहीं धान है। हाँ वाह, हाँ इधर भी बड़ा अच्छा है सामने से लो उधर भगवान का। हाँ अभी आया नहीं ना वो, और पति देव जी अवेला अब आ रही, नींद खूब खा लिया तो यहाँ पर फिर हमारी जो रानी दीदी हैं उनकी ससुराल से आए थे कई लोग, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कि गौरी कहाँ है, क्योंकि वो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं और मुझे सही में होते हैं ना जो रियल वाला प्यार वो करते हैं। वो ये हैं प्रीति दी की मम्मी, तो प्रीति दी की मम्मी और भाभी आए हुए थे। आप लोगों को नहीं पता प्रीति दी, तो वो मेरे ब्लॉग में जब दीदी का गृह प्रवेश हुआ था तब वो आई थी घर पर यहाँ रतलाम में, और अब से नहीं कि जब मैं YouTube बनाने लगी हूँ तब से ये लोग मुझे जानते हैं। मेरे घर से इन लोगों का बहुत पुराना अटैचमेंट है, प्रीति दीदी का और सब लोगों का, तो ये नहीं कि अभी अभी से ही ये सब कुछ शुरू हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस यहाँ पर इन सब लोगों से मिले और प्रीति दी की मम्मी से मिलकर इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा, भाभी से भी। मैं तो यही सोच रही थी कि प्रीति दी की मम्मी से मिलकर कि ये अभी इतनी सुंदर हैं तो जब ये मेरी उम्र में होंगी तो ये कितनी ज़्यादा सुंदर होंगी। तो कल का जो व्लॉग है वो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें कलश यात्रा